गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घर में। सो आज मैं करने वाली हूँ मेहंदी एप्लीकेशन। तो मैंने ना काफ़ी टाइम पहले मेहंदी लगाई थी एंड वो मैंने शॉर्ट्स में डाला था, तो आप लोगों को वो शॉर्ट्स बहुत पसंद आया था। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कैसे अप्लाई करते हो एंड क्या क्या चीज़ें उसमें मिक्स करते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार पूरा फुल ब्लॉग बनाया जाए। एंड येस, आज मैं अप्लाई करने वाली हूँ मेहंदी। आज से 8 से 10 महीने पहले मैंने मेहंदी अप्लाई की थी, उसका एप्लीकेशन किया था। तो मुझे पर्सनली मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। आपको अगर पसंद है तो आप कर सकते हो एंड अगर आपको नहीं पसंद है तब भी मेरा वीडियो देखो। तो आज हम करने वाले हैं ना एप्लीकेशन। उससे पहले मैं बता दूं, मेरे बालों का कंडीशन है ना जो बहुत ख़राब हो चुका है, लाइक शूट्स की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, इसमें स्प्रे लगती रहती है एंड बहुत सारे स्टाइलिंग होती रहती है हेयर्स की, तो मैं ध्यान बिल्कुल भी नहीं कर पाती एंड थोड़े बहुत तो झड़ भी रहे हैं। एंड बीच से मेरे बाल जो है ना वो थोड़े बहुत ग्रे भी हो चुके हैं, तो मैंने सोचा यही सही टाइम है अपना हिना एप्लीकेशन करने का। तो पूरा प्रोसेस पूरा बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि मैं क्या कैसे रेडी करती हूँ एंड अपने बालों में कैसे कैसे लगाती हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम हिना के लिए डिटॉक्शन वाटर तैयार करते हैं, बट उससे पहले ना मैंने यहाँ पे एक टोनर टाइप ऑफ अपने बालों के लिए रेडी किया है जो मैं हर रात को अपने बालों में स्प्रे करूँगी। एंड इसमें मैंने मिक्स किया है मेथी, लौंग, कलौंजी एंड ड्राई रोजमेरी लीव्स जो मैंने अमेजोन से मंगाई थी, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लो, मैंने अपने बालों के लिए बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी। सो या उसको साइड में रखते हैं। तो मैंने पूरा ये वाटर रेडी किया था अपने बालों के लिए एंड मैं इसे कंटिन्यू अब अपने बालों में स्प्रे करूँगी एंड देन उसके बाद आपको रिव्यू शेयर करूँगी। हिना के डिटॉक्शन के लिए ही मैंने इसमें सिर्फ चावल एंड कॉफ़ी और मिक्स किया और कुछ भी नहीं, बाकी सब इसमें ऑलरेडी था, जो मेथी दाना, लौंग, ड्राई रोजमेरी लीव्स, इसमें मैंने और पानी डाल दिया एंड कॉफ़ी 2 से 3 पाउच कॉफ़ी मिक्स करके एंड थोड़ा सा मैंने इसमें राइस भी डाल दिया क्योंकि राइस का वाटर जो है बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैंने उसमें वो भी डाल दिया एंड इसको 5 से 10 मिनट तक स्टेयर होने दिया, उसे बॉईल किया एंड फिर उसके बाद ना इसे मैंने ठंडा कर दिया। तो अब आती है हिना की बारी। तो हिना के लिए ना मैंने मेहंदी के लिए मैंने ये हिना का पाउडर लिया है, आप चाहो तो नुपुर हिना भी ले सकते हो, जो आपको सूट करती है वो। एंड मेरे पास ना लोहे की कढ़ाई थी तो मैंने इसे लोहे की कढ़ाई में ही भिगोया है। उसके जो गुड़ होते हैं वो भी हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप सिंपल स्टील के बर्तन में भी भिगो सकते हो या कांच में भी भिगो सकते हो। मैंने पर्सनली लोहे में भिगोया क्योंकि मुझे लोहे के पूरे वो चाहिए थे, मैंने इसीलिए ही लोहे की कढ़ाई खरीदी थी ताकि मैं उसमें अच्छे से अपना भिगो पाऊँ एंड कल जो सुबह मॉर्निंग में उठो वो एकदम जेट ब्लैक हो एंड अच्छी सी हो मेहंदी एंड उसके सारे जो इफ़ेक्ट्स है वो मेरे बालों को लगे। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे जो है हिना का पाउडर जो है मैंने ये ख़रीदा है, आपको ये नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगा एंड इसमें है आंवला, शिकाकाई, कड़ी लीव्स, नीम एंड मेथी दाना, इसमें बहुत सारे पाउडर सब मिक्स हैं एंड ये 120 ग्राम का है, तो 1 पैकेट इनफ है मेरे इतने लंबे बालों के लिए। अगर आपके छोटे बाल हैं तो आप इसे हाफ़ भी कर सकते हो। तो मैंने इसे फुल पूरा लिया है एंड अब जो डिटॉक्शन वाटर जो हमारा रेडी हो गया है एंड अब वो कूल भी हो गया है, तो अब इसे हम छन्नी से छान के अलग कर लेंगे एंड अब स्लोली स्लोली अब इसमें मिक्स करते जाएंगे। एंड बस याद रहे कोई भी लम्स ना बने, आप इसे नॉर्मल थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से फेंट के मिक्स करो। एंड उसके बाद ना ये मुझे कम पड़ गया था, तो इसके बाद जो मैंने पहला वाला वाटर बनाया था ना अपने बालों के लिए मेथी, लौंग और ड्राई रोजमेरी लीव्स का, वो वाटर भी थोड़ा बचा हुआ था तो मैंने वो भी इसमें मिक्स कर लिया एंड उसे अच्छे तरीके से फेंट लिया। सो फाइनल कुछ ऐसा बन के रेडी हुआ है मेरा मेहंदी एंड अब मैं इसे रात भर पूरा रख दूंगी 24 घंटे के लिए एंड फिर अगले मॉर्निंग मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। सो मेहंदी भिगोए हुए 24 घंटे हो चुके हैं एंड ये रही हमारी मेहंदी जो बिल्कुल एकदम रेडी हो चुकी है लोहे की कढ़ाई में एंड काफ़ी अच्छा कलर आने वाला है, मैं एक्साइटेड हूँ इसे लगाने के लिए। एंड अगर आप चाहो तो इसमें आप एक एग भी मिक्स कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो एग के लिए, या बनाना या कर्ड भी मिक्स कर सकते हो, तो ये ना एक हेल्दी मास्क बन के रेडी हो जाएगा जो आपके बालों को एकदम से नरिश कर देगा एंड एक शाइन भी ऐड करेगा एंड एट सेम टाइम आपके बालों को ड्राई भी नहीं होने देगा क्योंकि मेहंदी लगाने से ना थोड़े बाल ड्राई हो जाते हैं। एंड हाँ, मेहंदी लगाने से पहले ना आपको एक पुरानी सी टी शर्ट पहन लेनी है जैसे मैंने पहनी है, ताकि वो अगर ख़राब हो तो आपको कोई दुख ना हो। एंड मेहंदी लगाने के लिए आपको एक चाहिए मेहंदी जैसा कि मैंने आपको बताया एंड उसके साथ
साथ आपको एक चाहिए कॉम्ब ताकि अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल कर पाओ मेहंदी लगाने से पहले, एंड उसके साथ साथ आपको चाहिए ग्लव्स। तो मेरे पास ग्लव्स तो नहीं है, तो मैंने कुछ प्लास्टिक की पॉलीथिन्स ली हैं जिसे मैं यूज़ करूँगी, लाइक ऐसे अपने हाथों में इसे बांध लूँगी एक रबर बैंड की हेल्प से, एंड फिर हम मेहंदी अप्लाई करेंगे जिससे हमारे बाल भी गंदे नहीं होंगे एंड मेहंदी अप्लीकेशन अच्छे से हो भी जाएगी। लेकिन उससे पहले अभी हमें मेहंदी में एग मिक्स करना है, तो पहले एग मिक्स कर लेते हैं। मेरे बालों के लिए एक अंडा इनफ है, आप चाहो तो अगर दो लोग लगा रहे हो तो दो अंडे भी डाल सकते हो। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, आप चाहो तो एग योग भी डाल सकते हो या एक वाइट एग भी डाल सकते हो, आपके बालों को जो सूट करे आप वो डालो। ये हो गई अच्छे से मिक्स एंड अब ये रेडी है लगाने के लिए। मेहंदी एप्लीकेशन से पहले मैं अपने बालों को कॉम्ब कर लेती हूँ। डिटैंगल कर लिया है एंड अब हम करेंगे मेहंदी का एप्लीकेशन, लेकिन उससे पहले हम अपने हाथों में लगाएंगे ये देसी जुगाड़ पॉलीथिन जो हमारे लिए ग्लव्स का काम करेगा, एंड इसको इस तरीके से लगा के इसमें हम ये रबर डाल देंगे ताकि ये मूव ना हो, एंड थोड़ा ढीला कर देंगे ताकि लगाने में हमें इजी हो, हाथ भी गंदे नहीं होंगे। एंड सेम ये मैं अपने लेफ्ट साइड में भी कर लूँगी, आप चाहो तो अपने राइट हैंड पे ही लगाओ, लेफ्ट हैंड को ऐसे ही रहने दो, बट मैं नहीं चाहती कि ये थोड़ा सा भी इसमें कलर आए क्योंकि कल मेरा शूट है तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैं से लगा रही हूँ। एंड आप चाहो तो एक हाथ में भी लगा सकते हो एंड एक हाथ में नहीं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। तो मेहंदी यहाँ पे मेरी रेडी है एंड अब हम इसे लगाने का जो तरीका है ना, आपको क्या करना है, सेंटर बेस से बिल्कुल आपको लगाना है। सी मेरे एक दो तीन ग्रे और भी दिख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसको हम अच्छे से कलर कर लेंगे। तो आपको क्या करना है ना, एक सेंटर से पार्टीशन, एक हेड के बिल्कुल सेंटर से एक पार्टीशन लेना है, थोड़ा सा टफ है लगाना। आपके पास अगर ब्रश है तो आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो, बट मुझे ब्रश से ज़्यादा हैंड्स कन्वीनियंट लगते हैं अप्लाई करने के लिए। सी एक सेंटर से ऐसा पार्टीशन लेके आप यहाँ पे अप्लाई करो, आगे पीछे दोनों साइड से आप इसको ऐसा फ्रंट करके पूरे बालों में अप्लाई कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट अब ये याद रखना कि आपने अपने बालों में ऑयल ना लगाया हो, अगर आप ऑयल लगाओगे तो ये सिर्फ कंडीशनिंग का काम करेगी आपके बालों के लिए, एंड अगर आपने ऑयल इस्तेमाल नहीं किया है तो ये अच्छे से आपके बालों में एक कलर छोड़ेगी। सो आप बस ये याद रखना, आपको जैसे अप्लाई कर रहे हो आप वैसे कर सकते हो। हमारा जो बेस है वो रेडी हो गया, एंड आप इसमें थोड़ी सी ऐसे मेहंदी भी लगा सकते हो ताकि प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठ जाए। थोड़ा बड़ा ले लिया, बट आप चाहो तो अपने हेयर के अकॉर्डिंग जैसे आपको कंफर्टेबल हो, मुझे जो हाथ में आया मैंने ले लिया। एंड यही सेम प्रोसेस हम करते चलेंगे, एक बार इस साइड सेक्शन के बाल लेंगे एंड एक बार इस सेक्शन के बाल लेंगे। मेरा एक बेस पूरा रेडी हो चुका है एंड अब आप इसको धीरे धीरे इस साइड के हेयर लेके एंड इस साइड के हेयर लेके, एंड अगर आप चाहो तो इसके ऊपर हल्का सा ऐसे मेहंदी लगा सकते हो उसको सिक्योर करने के लिए ताकि ये कहीं से भी मूव ना हो। इस तरीके से माना कि थोड़ा टफ है, थोड़ा मैसी है, बट रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं एंड एकदम नेचुरल है।
लगा दी है। टोटल मुझे आधा घंटा लगा ये पूरा लगाने में, एंड अब मैं इस पॉलिथिन को निकाल देती हूँ एंड उसके बाद इसको ऐसे खुला नहीं छोड़ेंगे, प्रॉपर ड्राई हो जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। तो हम इसे एक शावर कैप से या पॉलीपैक से ही इसे कवर कर लेंगे, देन उसके बाद 2 घंटे भी आप रख सकते हो या 1 घंटा भी रख सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। एंड शैम्पू नहीं करना है, याद रहे शैम्पू मत करना। हाँ, एग लगाया है, थोड़ी बहुत स्मेल आ सकती है, आप बेयर कर लेना, लाइक मुझसे सहन हो जाती है तो मैं कर लेती हूँ, अगर आपसे नहीं होती है तो आप अंडा ही मत मिक्स करो, उसकी जगह आप बनाना मिक्स कर लो, कर्ड मिक्स कर लो, एंड उस दिन वॉश मत करो। अगर आप उसी दिन वॉश करोगे तो कलर अच्छा नहीं आएगा, उसके नेक्स्ट डे आप ऑयलिंग करके वॉश कर सकते हो। सो मैं इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करूँगी, देन नेक्स्ट डे से ऑयलिंग करूँगी। मैं यहाँ पे एक पॉली बैग लेके आई हूँ एंड इसे ही मैं लगाने वाली हूँ। शावर कैप है बट उसे मैं गंदा नहीं करूँगी, लाइक वो कलरफुल है तो इसे ट्रांसपेरेंट पन्नी है तो इसे मैं यूज़ करके थ्रो कर सकती हूँ, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। देसी जुगाड़ आप ऐसा कर सकते हो एंड ये भी वही काम करेगा जो एक शावर कैप काम करती है। एंड इसे अब मैं 2 घंटे तो मिनिमम रखूँगी, देन उसके बाद वॉश करूँगी। एंड वॉश करने के बाद मैं अपने हेयर का जो पूरा कलर है वो आपको दिखाऊंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज 2 दिन के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी। मुझे धूप में अपनी मेहंदी, अपने बालों में जो मैंने मेहंदी लगाई थी उसका कलर आपको दिखाना था, एंड उस दिन जो मैंने मेहंदी लगाई थी वो शाम हो गई थी तो बिल्कुल भी लाइट रोशनी नहीं थी कि मैं आपको कलर्स दिखा पाऊँ, तो इसलिए मैं आज शूट कर रही हूँ। और मेन रीज़न ये भी था, मुझे मेहंदी जो थी वो 2 दिन तक अपने बालों में रखनी थी ताकि उसका कलर जो है ना वो पक्का हो जाए। जी हाँ, मैंने शैम्पू नहीं किया है एग लगाने के बाद, मुझे चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप शैम्पू कर सकते हो, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि थोड़ा मेहंदी का जो कलर है ना वो पक्का हो जाएगा और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पहले तो आप मेरी मेहंदी का कलर देखो बालों में कि कैसा आया है। आया है ना एकदम अच्छा सा मस्त, आपको दिख रहा होगा आई होप। अभी भी लाइटनिंग उतनी, रोशनी उतनी है नहीं, धूप निकली नहीं है, लेकिन मैं दिखा रही हूँ आपको कि ऐसा कुछ कलर आया है, मुझे तो बहुत पर्सनली पसंद है। एंड अब एक भी ग्रे हेयर नहीं दिखाई दे रहा है, सी। सो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ, ये फाइनली मेरे बालों को इसने कलर कर दिया। एंड अब मैं एक लास्ट स्टेप करने वाली हूँ, वो है अपने बालों को ऑयलिंग, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद ना आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो आप कोशिश करो कि उसके बाद ऑयलिंग ज़रूर से करो, जिससे आपकी मेहंदी का जो कलर है ना वो भी पक्का हो जाएगा। एंड 2 दिन के बाद अभी आज मैं वॉश करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ऑयलिंग करूँगी, और ऑयलिंग में भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिक्स करूँगी, वो है फ्लैक्सीड जेल। क्या है ना, काफ़ी लोगों का ऑयलिंग करने के बाद भी थोड़े बहुत बोलते हैं कि हमारा स्कैल्प जो है ना वो बहुत ड्राई रहता है, बाल ड्राई है, बाल अच्छे नहीं है, शाइन नहीं है, लस्टर नहीं है, हाइड्रेटेड नहीं है, तो उसके लिए ना आप फ्लैक्सीड जेल है ना, जो उसमें आप सरसों का तेल एंड कोकोनट ऑयल मिक्स करके आप पूरा एक जेल प्रिपेयर कर सकते हो। सो अभी मैं वो प्रिपेयर करने वाली हूँ एंड वो अपने बालों में लगाने वाली हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैं वो जेल कैसे प्रिपेयर करती हूँ। सो एक बाउल लेना है आपको एंड उस पे ये 2 चम्मच भर के आप फ्लैक्सीड डाल दो एंड उसमें डालो आप ये थोड़ा सा पानी बॉइल करने के लिए रखो एंड 5 से 10 मिनट तक ये बॉइल हो जाएगा, उसके बाद आप इसको किसी छन्नी से या मलमल की हेल्प से इसे निकाल देना। एक चम्मच ये सरसों का तेल और मिलाएंगे 1 चम्मच ये नारियल का तेल, इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। याद रहे जब तक कुनकुना है तभी करना, वरना ये मिक्स नहीं होगा अच्छे से। एंड अब ये जेल ऑलमोस्ट रेडी है बालों में लगाने के लिए, अब हम इसे करते हैं हेयर में अप्लाई। हल्के हल्के हाथों से हम इसको पूरे स्कैल्प में अप्लाई करेंगे एंड फिर अपने लेंथ में भी अप्लाई करेंगे। सो फाइनली मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं एंड अभी आप सबसे पहले मेरे बालों का कलर देखो कितना अच्छा आया है। सी, देख रहे हो आप, लाइक मुझे तो ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको पसंद है तो आप भी ऐसी मेहंदी लगा के एंड अपने बालों को मस्त कलर कर सकते हो। मुझे ऐसे नेचुरल कलर बहुत पसंद है एंड एट द सेम टाइम मेरे बाल नरिश भी हो जाते हैं, हेल्दी भी हो जाते हैं। एंड और जो इसमें मैंने फ्लैक्सीड्स लगाई है अपने
नारियल तेल में मिला के एंड सरसों के तेल में मिला के उससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड नरिश हो गए हैं, एकदम लस्टर शाइन आ गई है। आप मेरे बालों की शाइन देखो कितनी अच्छी है। एंड अगर आपको भी ऐसे ही मेहंदी लगाना है सो आप मेरा जैसे मैं मेहंदी लगाती हूँ वैसे लगा सकते हो, वरना आपका तरीका भी मुझे बता सकते हो कि आप कैसे मेहंदी लगाते हो। एंड अगर आप भी ऐसे ही बाल चाहते हो तो ऐसी ही हेयर पैक हिना मेहंदी लगाओ एंड अपने सुंदर सुंदर बाल पाओ। एंड आप देख सकते हो मैंने अपने बालों को ना ही कोम किया है ना ही शैम्पू करने के बाद कुछ अपने बालों में लगाया है, ये एज इट इज़ जैसे मैंने वॉश किए थे उसके बाद ऐसे ही ये सूखे हैं, इनको मैंने नेचुरल एयर में ही सुखाया है। सो ये था मेरा आज का मेहंदी का पैक लगाने का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय।